बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समीर जी ऑफिशियल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक का अकाउंट कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ईजी और आसान तरीका है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपने सबसे पहले अपनी टिकटॉक ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। टिकटॉक ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये आपके सामने टिकटॉक की वीडियो चल जाएंगी। फिर आपने यहाँ पर नीचे मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद ये देखें दोस्तों साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों स्विच अकाउंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों ये चार, एक दो तीन चार, हाँ ये चार तरीके से बता रहा है कि आप चार तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। पहले तरीके पर फ़ोन नंबर या ईमेल के ज़रिए, दूसरे फेसबुक के ज़रिए, तीसरा गूगल के ज़रिए और चौथा ट्विटर के ज़रिए। तो मैं फ़िलहाल फ़ोन के ज़रिए यूज़ करता हूँ, यूज़ फ़ोन और ईमेल पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी बर्थडे सेलेक्ट करनी है। मैं अपनी बर्थडे सेलेक्ट करता हूँ 1995। बर्थडे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एक नंबर देना होगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैं ये अपना नंबर देता हूँ। नंबर देने के बाद दोस्तों सेंड कोड पर सेलेक्ट कर देना है। सेंड कोड पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपकी सिम पर ये कोड वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन 400 का कोड आएगा। ये वेरिफिकेशन कोड आ गया है ऑटोमेटिक, ये इंटर हो गया है। ये देखें दोस्तों यहाँ पर आपने अपना क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करना है। ये मैं पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये 8 से 20 के दरमियान होना चाहिए। ये मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया, जहाँ से हूँ और कुछ लाफत भी होने चाहिए। यहाँ पर आपने यूज़र करियर यूज़र नेम कर जो अपना यूज़र नेम देना है, मैं अपना नेम दे देता हूँ। यूज़र नेम देने के बाद यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यूज़र नेम में स्पेस नहीं डालनी है। मैं स्पेस ख़त्म कर देता हूँ और ओनली यहाँ पर आपने कोई दो ही से भी देना है, ये मैं दे देता हूँ मोहम्मद आमिर। ये नीचे पहले से याद है सेलेक्ट 587 ये सेलेक्ट दसाने पे क्लिक। ये देखें दोस्तों ये मेरा अकाउंट बन गया है। फिर मी पे क्लिक करते हैं। ये देखें दोस्तों मेरे मोहम्मद आमिर 587 ये अकाउंट बन गया है। दोस्तों इसके बाद आपने मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ये चेंज फोटो पे क्लिक करते हैं। नहीं ये पहले यूज़र नेम, सॉरी यूज़र नेम मेरा गलती से और लग गया, मैं अपना दे देता हूँ। ये यूज़र नेम सेव हो गया। यहाँ से चेंज फोटो पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी से गैलरी से अपने पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ये पिक्चर, ये मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कंफर्म कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों ये आपकी टिकटॉक की आईडी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको जब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।